अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल ये भीड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की नहीं बल्कि उनके विरोधियों की है और इस वीडियो में ये लोग बीच चौराहे सिंधिया को बेशरम के फूल दे रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 3 महीने के बाद मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के वे दौरे पर थे और तब से ही कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कभी उनके लापता होने के पोस्टर लगवाए तो कभी उनका पुतला फूका और अब NSUI कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को सड़क पर ही घेर लिया और बेशरम के फूल देने लगे। ये सब हुआ ग्वालियर के गोला मंदिर चौराहे पर। जब सिंधिया वापस दिल्ली के लिए निकल रहे थे तब उनके काफिले को NSUI के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। अचानक कार के सामने आए NSUI कार्यकर्ताओं को देखकर उनको गाड़ी भी रोकनी पड़ी। फिर NSUI ने के कार्यकर्ताओं ने उनको धिक्कार पत्र और बेशरम के फूल दिए। साथ ही पत्र में लिखा था कि जब लोग कोरोना से मर रहे थे तब आप कहाँ थे। इसके बाद धिक्कार पत्र को पढ़ते ही सिंधिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने गाड़ी का कांच ऊपर चढ़ाया और निकल गए। NSUI के नेता का कहना है कि जब लोगों की कोरोना के कारण मौत हो रही थी तब सिंधिया एक भी दिन ग्वालियर चंबल में दिखाई नहीं दिए और आज जब कोरोना चला गया है तो उसके बाद वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इसी बात की उनको शिकायत है। उन्होंने आज बेझिझक से अपने लोगों के घर जा रहे हैं, अपना काफिला लेकर लोगों को अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तब कहाँ था इनका शक्ति प्रदर्शन, तब ये महाराज कहाँ थे ग्वालियर के, ये कहे चुने जो अपने आप को महाराज कहलाते हैं कथित, ये तब कहाँ थे जब लोग कोरोना से मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, सिलेंडर की जरूरत थी, तब सिर्फ NSUI के कार्यकर्ता कांग्रेस रोडों पर थी, तब ये कहाँ थे। आज जब कोरोना खत्म हो चुका है तो आप फिर से अपने लोगों का काफिला लेके आप ग्वालियर में घुस रहे हो और लोगों को सांत्वना देने उनके घर जा रहे हो। ये सांत्वना है कि आप उनके जख्म खुरीदने जा रहे हो, जो लोग अभी शांति से घर पर बैठे हैं आप उनको फिर याद दिलाने जा रहे हो, आप आपदा में राजनीति ढूंढ रहे हो, आप ये कहने जा रहे हो कि हम हैं। इससे पहले आप कहाँ थे जब लोगों को आपकी वास्तविकता में ज़रूरत थी, जब लोग अपने घरों में, आज जब आप जा रहे हो, लोग कोरोना आज की स्थिति में नहीं है लेकिन आप काफिले के साथ जा रहे हो, क्या ये आपकी बेशर्मी नहीं है? आज क्या किया आपने, आज क्या किया आपने? हमने उनको सांकेतिक तौर पर बेशर्म की फूल की माला पहनाई और बेशर्म के फूल दिए, जो ये दर्शाते हैं कि आप कितने बेशर्म हो। और NSUI ने अपने NSUI की तरफ से ये उनको छोटी सी भेंट है, जो ग्वालियर के कथित तौर पे अपने आप को महाराज कहते हैं, उनको हम लोगों ने बेशर्म के फूल दिए। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन तक जिस विरोध से बचते रहे, आखिरकार ग्वालियर से निकलते वक्त उनको उस गुस्से का सामना करना पड़ ही गया। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।